गुड आफ्टरनून। क्लास 8 मैथमेटिक्स, टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले हम समझेंगे लेसन क्या कहता है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बात है और वेरिएबल वन है। सबसे पहले वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे हम बाजार गए, मान लीजिए दो दोस्त बाजार गए, राम और श्याम। अब राम ने कहा कि जितने पैसे आपके पास हैं, श्याम कहता है कि राम जितने भी पैसे आपके पास हैं, मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है। तो हमारे पास ये तो नहीं पता कि राम के पास कितने पैसा है, श्याम के पास कितना पैसा है, पर एक एक्सप्रेशन है कि राम के पास अगर एक्स पैसा है तो श्याम के पास एक्स प्लस 10 रुपीज है, क्योंकि उसके पास 10 रुपए ज्यादा है। अब जब इस तरह का हो कि हमारे पास एक वेरिएबल हो, हमें ये नहीं पता है कि राम के पास कितना है, क्योंकि राम के पास 10 रुपए तो श्याम के पास 20, अगर राम के पास 30 रुपए तो श्याम के पास 40, यानी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इस चीज क्वांटिटी को जो हमारे पास नोन नहीं है, इसको कहते हैं वेरिएबल। पहली बात, 10 रुपीज हमेशा फिक्स रहेगा, ये कह रहा है कॉन्स्टेंट, और ये जो चीज है इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। अब यही एक्सप्रेशन पहले फिर से समझेंगे। राम ने कहा मेरे पास कुछ रुपए हैं, श्याम ने कहा जितने आपके पास हैं उससे 10 रुपए मेरे पास ज्यादा हैं, हमें राम के पैसे नहीं पता, श्याम के पैसे नहीं पता, लेकिन एक चीज हमें पता है कि श्याम के पास एक्स प्लस 10 जितना राम के पास है उससे 10 रुपए ज्यादा है। तो ये राम के पास अगर 10 रुपए तो श्याम के पास 20, राम के पास 20 रुपए श्याम के पास 30 रुपए, मतलब जो भी वैल्यू यहां आएगी उससे श्याम की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, यानी जो राम की वैल्यू एक्स आ रही है, ये कहलाएगा वेरिएबल, क्योंकि कोई भी वैल्यू ले सकता है, हमें पता नहीं है। लेकिन 10 हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि इससे 10 ज्यादा थी, हो गया कॉन्स्टेंट। नंबर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और वेरिएबल हमेशा हम लोग एक्स वाई जेड इससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल उसमें। एक्सप्रेशन दोनों को मिला के जो हमारे पास सेंटेंस बना, मैथमेटिकल सेंटेंस, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। यही एक्सप्रेशन अगर श्याम ये कह दे कि मेरे पास 50 रुपए हैं, अब फिक्स हो गया श्याम की वैल्यू 50 रुपए है, हम बता सकते हैं राम के पास कितना पैसा है, क्योंकि हमारे पास एक आ गया साइन ऑफ इक्वेलिटी। साइन ऑफ इक्वेलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इक्वल टू लग गया तो ये एक्सप्रेशन जो था, पहले क्या था, ये एक्सप्रेशन था, और अब बन गया इक्वेशन। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि इक्वालिटी हुआ, यानी एक्सप्रेशन प्लस इक्वालिटी का साइन गिव्स अस इक्वेशन। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, वो कितने हैं। इस इक्वेशन देखिए, सिर्फ एक ही वैल्यू बार बार पुट करी जा सकती है, और दूसरा भी हो सकता है इक्वेशन, हो सकता है। कैसा हो सकता है, राम के पास एक्स रुपए, श्याम के पास वाई रुपए, और अनिल के पास दोनों से ज्यादा 40 रुपए, तो एक्स प्लस वाई प्लस 40। यहां पे दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो हमने सबसे पहले ये फिर से हम रिपीट करेंगे एक बार। सबसे पहले इक्वेशन मतलब एक्सप्रेशन से इक्वालिटी साइन बना, इक्वेशन, ठीक। ये दो वेरिएबल का भी हो सकता है, एक वेरिएबल का हो सकता है, ठीक है। अब हमारे कोर्स में है एक वेरिएबल का, वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल यानी एक ही रहेगा, एक्स वाई कोई भी हो, एक वैल्यू रहेगी निकालने के लिए। अब शुरू करते हैं हाउ टू सॉल्व। How to solve linear equation?
हमारे पास जब भी इक्वेशन होगी, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, पहला टाइम जब हमें नंबर एक तरफ लिखा होगा, हमें कुछ नहीं करना है, कुछ रूल्स हैं वो हम लोग आपस में अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये इक्वेशन समझ लो इक्वल टू एक बाउंड्री है, जो इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा, जो बाउंड्री क्रॉस करेगा उसका सबसे पहला रूल है साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल हमने पहला रूल बनाया साइन चेंज करना है, और दूसरा मल्टीप्लाई राइट दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। बस अगर ये दो रूल चेंज है हमारे पास, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, इन रूल्स को ऊपर लिख देता हूं ताकि हम इसका बार बार यूज कर सकते हैं। पहला रूल बताया साइन चेंज होगा, दूसरा मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई। बस इतना अगर हम कर लेंगे हमारा कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जिसमें की वैल्यूज एक तरफ दी होती है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, सिंपल है, x माइनस टू इज इक्वल टू सेवन। अब क्या किया मैंने, क्या कहा, एक रूल पहला ये, दूसरा ये है कि सारे वेरिएबल को हम एक साथ रखेंगे और सारे नॉन वैल्यूज एक साथ रखेंगे। चलो हमने एक नियम बना लिया है कि हम हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे, ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम सब इकट्ठा करेंगे राइट में। ऐसा हमने अपने लिए रूल बनाया है कि हम सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये रूल है, रूल नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले x माइनस टू, देखिए वेरिएबल क्या है इसमें x, x को हम लेफ्ट साइड रखेंगे और बाकी सब उधर चले जाना है, तो हम लेंगे x इज इक्वल टू सेवन। माइनस टू इधर आया, साइन चेंज होगा क्योंकि इसने साइड चेंज की है, साइड चेंज साइन चेंज, तो अब साइड चेंज हुई तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू सेवन, यहां माइनस है वहां जाके वो प्लस टू, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू नाइन। सिंपल इजी, समझ आया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके शर्वनम भरद्वाज, रणवीर सिंह, वेरी नाइस, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, y प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन, फिर वही थ्री को उधर और वेरिएबल को इसी साइड, y इज इक्वल टू टेन प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस थ्री यानी सेवन, y इज इक्वल टू सेवन। थर्ड पार्ट, सिक्स इज इक्वल टू जेड प्लस टू। अच्छा आप लोगों ने इक्वल टू का एक मतलब और समझाना चाहता हूं, आपने वो देखा है तराजू जिसमें सब्जी तौलते हैं, ऐसा अगर इसमें 1 केजी का रखे और यहाँ आलू रखे और उल्टा कर दें, अगर बैलेंस हो जाए तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ जेड प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए, और नहीं तो जेड प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते कि नहीं सर वो तो ज्यादा हो जाएगा तो हम दूसरा कैसे लें, फिर हमारा वेरिएबल लेफ्ट आना है, यहाँ जेड प्लस का है इधर आया तो क्या हुआ माइनस जेड, यहां टू तो है ये सिक्स वहां गया तो माइनस सिक्स, क्या हुआ माइनस फोर माइनस जेड, जेड इज इक्वल टू माइनस वन, यहां क्या है एक्चुअली माइनस साइन का मतलब क्या माइनस वन इंटू जेड तो माइनस वन, तो जेड इज इक्वल टू फोर। इसी क्वेश्चन को जैसा मैंने कहा था इसको हम इस तरफ रख लेते हैं, जेड प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, तो जेड इज इक्वल टू सिक्स और ये प्लस टू उधर जाता तो हो जाता माइनस टू, तो सिक्स माइनस टू हो जाता फोर और हमारा आंसर आता है जेड इज इक्वल टू फोर।
नोट कर लीजिए, दोनों तरीके सही है। रणवीर, प्रदीप, संगीता, रीना, कविता। बेटा जेड कैपिटल में मत लिखिए, जेड स्मॉल में लिखिए। दीपक, ओम प्रकाश, बहुत अच्छे बच्चे। रोहन, बेटा कोई भी चीज कैपिटल में नहीं लिखेंगे, वेरिएबल हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। पहले ही बताया था मैंने, एक्स वाई जेड स्मॉल में लिखते हैं। नोट कर लिया आपने? नोट हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4। इसे 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। वेरिएबल हमारे पास लेफ्ट में है, हम रखेंगे, राइट में भेज देंगे बाकी सामान। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम दोनों का एक ही है, 7 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 - 3 यानी 14/7 यानी 2 यानी एक्स इज इक्वल टू 2। फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो एक दिन में खत्म हो जाने वाली है। अपॉन 6। अच्छा यहां देखिए, यहां देखिए, ये तो बताना भूल ही गए। देखिए 6 मल्टीप्लाई है, ये इस तरफ आएगा तो कहां आएगा, नीचे डिवाइड में, तो 12/6 हो गया। तो क्या हुआ, 12/6 2 हुआ। वैसे भी सोचिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आंसर है, 2 से। नाउ 6th पार्ट, t/5 = 10 यानी t = अब देखिए ये डिवाइड है, अपॉन में है ना, ऊपर आएगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 5 t = 50। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, 2x/3 = 8 18। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में है और 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो मैंने लिखा 18, 3 डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 2 क्या था, मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, तो 2 1 = 2 9 x = 27। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। 1.6 = y/1.5। हाँ, इसे क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दिए, 1.6 × 1.5 = y यानी y = 2.40। देखो 1.6 का वन टाइम तो 1.6 ही होगा, और 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 16 का आधा होता है 8, 8 और 16 24, तो 2.4। क्वेश्चन नंबर 9, 7x - 9 = 16। और ये तो बहुत इजी है, 7x को यहां रखा, सबसे पहले 9 को ले गए, प्लस का है उधर जाके माइनस का है उधर जाके प्लस हो गया, 16 और 9 = 25। अब क्या हुआ, x = 7x = 25 आया ना, तो x = 25 और 7 क्या है, मल्टीप्लाई,
उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। आंसर कुछ भी नहीं करना है, फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, अंजल बहुत बढ़िया। राजेंद्र यादव वेरी गुड, प्रतीक वर्मा वेरी गुड, रणबीर वेरी गुड, प्रमोद सूर्यवंशी, मोनिका आरसी डन ओके। लेट्स मूव टू डाल देते हैं। अब तो ये हमें याद गया है ही नहीं, तो सब आइए 14y-8=30 आराम से बेटा। सबसे पहले वेरिएबल के साथ इसको मैं ही रखूंगा, बाकी सब माल उतर। 13-8 को उधर ले गए, +8 कितना हो गया बेटा, 13 और 8 21। अब y=21 और यहाँ 40y मल्टीप्लाई था, दूसरी जगह डिवाइड हुआ, 7 3 7 2 यानी वाई हो गया 3y2। 11th पार्ट 17 + 6p = 9, तो 6p यहां रहेगा, 9 - 17 कितना हो गया बताइए, 7 1 8, p = 8/6, 2 से काटिए 4/3। अब देखिए -17 था -8, +1 = 7/15 रखेंगे, बाकी को भेज देंगे। अच्छा एक फ्रैक्शन में बच्चों को माइनस कितना हुआ -8/5 नोट करें। ज्योति सिंह -8/5 को भी वेरी गुड। एक बार मुझे कंफर्म करें वीडियो आ रही है, कंफर्म करें वीडियो आ रही है, चेक करें चेक करें ओके। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ओके डन। समटाइम नेट स्लो सो ट्रस्ट ऑन वॉइस। Now we will solve some word problems. अब जब हम word problem करते हैं तो उसमें क्या problem आती है वो बताता हूँ। सबसे पहले पहली बात है हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। हमेशा कोशिश करिए जो निकालना हो उसको x मानेंगे, जो हमें value चाहिए वो value x कहलाएगी।
और x क्या है, वेरिएबल है। लास्ट में हमको ये आंसर में लिखना भी है, x इक्वल टू से काम नहीं चलेगा, वेरिएबल का वैल्यू भी देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास बुक होगी। क्वेश्चन सेज इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, एक बार नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड माय रिजल्ट बाय हाफ यू गेट नंबर, व्हाट इज नंबर। ओके चला दिया, वीडियो सही चल रहा है, देखें एक बार बच्चे रिस्पॉन्ड करें, दिख रहा है। इज माई वॉइस इज करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग माई वॉइस, ऑडिबल है, माई वॉइस इज ऑडिबल, आर यू पीपल हियरिंग मी। दीपिका आवाज आ रही बेटा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे देखेंगे, सबसे पहले कहता है इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमने पहली चीज कही कि लेट, ठीक है, नंबर बी एक्स। हमने सबसे पहले नंबर को एज्यूम किया कि नंबर एक्स है। अब नंबर एक्स है तो हमने क्या किया, उसने कहा हाफ सब्ट्रैक्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है वो ध्यान से सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, नंबर से हाफ सब्ट्रैक्ट कर लो एक्स माइनस हाफ, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट कितना आया, एक्स में से हाफ माइनस किया। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया भी, यू गेट 1/8, यानी ये जो आंसर होगा कितना होगा 1/8। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझेंगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से आपने हाफ सब्ट्रैक्ट किया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, जो आंसर आया आपका उसको हाफ से मल्टीप्लाई करा, यू गेट 1/8, आपको 1/8 मिलेगा, देन व्हाट इज द नंबर, लेट नंबर बी एक्स, हमने सबसे कहा एक्स नंबर है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, सबसे पहले हाफ माइनस किया, फिर से इक्वेशन फिर से बनाएंगे, फिर से सीखेंगे, सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम नंबर, नंबर हाफ माइनस करना है एक्स माइनस हाफ, ठीक है, नंबर में से हाफ माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया, फिर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, जो ये तो मेरा आंसर आया था इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कहता है यू गेट 1/8, तो मेरे पास 1/8 आएगा। तो अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, हाफ इंटू एक्स क्या होगा, एक्स बाई टू माइनस हाफ इंटू हाफ 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब तो सॉल्व हो गया, वेरिएबल इधर रखेंगे बाकी सारा सामान उधर, इसका एलसीएम कितना है 8, 1+2 यानी 3/8 इक्वल टू x/2, एक्स इक्वल टू 3 × 2/8, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, अंदर आ गया 3/4,
सो द नंबर इज बेटा ये बच्चे क्या होता है, बच्चे एक्स निकालते हैं और फिर उसके बाद ये आंसर नहीं देते कि द नंबर इज 3/4। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चे ने तो क्या कैलकुलेट किया, एक्स हमने तो नहीं कहा एक्स निकालने के लिए, हमने तो हमें नंबर बताओ। आप कहते सर आंसर तो एक्स आ गया, हमें एक्स नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए और ये सेंटेंस लास्ट में ऐसे क्लोज करना है। इसमें सब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना, एक्स की वैल्यू निकालना और ये चार स्टेप हर लीनियर इक्वेशन में दिखने चाहिए सॉल्यूशन आकर। नोट कर लीजिए, गोविंद वेरी गुड, बहुत टाइप करने में टाइम लग गया, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, बच्चे बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है। ओके डन लिखा आ गया, अब इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर टू पे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, नोट कर लीजिए, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्विमिंग पूल पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ देन फाइंड length and breadth। चलिए अब क्वेश्चन को समझेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 2 मिनट नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, पेरीमीटर है कितना है 154, यानी वो हमें कह रहा है कि पेरीमीटर किसके बराबर होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर। एक स्विमिंग पूल है और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे और यहां वापिस आएंगे, तो हमारे पास टोटल पेरीमीटर कितना है 154 मीटर। ठीक है, length is two more than twice its breadth, ये बहुत important है, find length and breadth। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए quantity में कौन बड़ा है कौन छोटा, पहले तो ये समझ लें, बहुत बहुत मजेदार लेवल है। its length is two more than twice its breadth, देखो breadth के दुगने से भी दो ज्यादा है, twice its breadth यानी बेटा breadth को डबल करो और उससे भी two more, उसमें भी टू जोड़ेंगे, जब हम टू जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो लेंथ होगा। तो हमने कहा सबसे पहली चीज कि लेट ब्रेथ बी एक्स, हमने ब्रेथ को क्यों लिया, क्योंकि ब्रेथ छोटा है तो बड़ी क्वांटिटी उसके उसमें निकलेगी। अब मेरा ये स्विमिंग पूल है, ब्रेथ एक्स है और लेंथ कितना है, लेंथ कितना है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, टू मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका डबल करो और उसमें भी दो जोड़ दो, ये एक्स है तो ये भी एक्स और ये कितना होगा 2x plus 2। चलिए ब्रेथ एक्स है
ठीक है, तो फिर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2x+2। अब वो क्या कह रहा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 154। अच्छा पेरीमीटर ने बताया क्या होता है, यहां से आओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ और फिर ऐसे आओ, पूरा रेक्टेंगल की साइड नाप लो, तो इसको कहते हैं पेरीमीटर। अब बच्चों ने कहा कि सर हमें फॉर्मूला ही नहीं आता पेरीमीटर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो काफी बच्चों को आता होगा और कईयों ने कहा कि नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आता तो हम बिना पेरीमीटर के फॉर्मूले ही कर लेंगे। देखिए ये चारों साइड है, जिसको फॉर्मूला आता तो 2l+b से कर सकता है, ये रेक्टेंगल है, दिया हुआ है 154 मीटर, वो बच्चे इससे भी कर सकते हैं। किसी बच्चे ने कहा नहीं कर नहीं आता तो हम उसके लिए अलग से करेंगे, पहले हम करते हैं फॉर्मूले से। तो 2l कितना है बेटा, 2x+2, ब्रेड कितना है x इज इक्वल टू 154। अब क्या हुआ, 3x+2, 2x और एक और x, ये 2x है और x मिला के 3x हुआ, प्लस 2 इज इक्वल टू 154, मतलब 6x+4 इज इक्वल टू 154, यानी 6x इज इक्वल टू 154-4 मतलब 150, यानी x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 6, 6 2 12 30 25 मीटर, 25 मीटर ब्रेड आया। तो हमारे पास लेंथ कितना आएगा, तो हम लिखेंगे ब्रेड इक्वल टू 25 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू कितना था, लेंथ 2x+2, तो बस 2 25 + 2 यानी 50 + 2 यानी 50। अब ये तो था जब फॉर्मूला आता था, अब जिस बच्चे ने कह दिया हमें फॉर्मूला नहीं आता तो क्या करने की जरूरत तो है नहीं, हमें ये तो पता है ना पेरीमीटर क्या होता है, हम जोड़ देंगे, हम जोड़ेंगे। चलिए यहां से शुरू करेंगे जोड़ना, x+2x+2, यहां से आए यहां गए, अब यहां से ये वाला जोड़ो प्लस एक्स, फिर यहां पहुंचे यहां से ये वाला जोड़ो 2x+2, ये सारा साइड हुआ था 154 मीटर। अब x x जोड़ने, x x 2x x x 2x, मतलब कितने x 2x 3x 4x 5x 6x, टोटल कितने x हो गए 6x, और बचा कितना 2 + 2 4 इसको 154 मीटर। अब तो इजी है, बाकी तो प्रोसेस सेम है। मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया, आगे x निकल आया तो आप x निकल ले आगे, नोट कर लीजिए जिस मेथड से अच्छा लगे उस मेथड नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, थ्री क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2। Sum of two number is 95. Sum of two number is 95. If one exceed
द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। चलिए Sum of number is 95 and if one exceed the other by 15, find the numbers। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझेंगे। If one exceed the other by 15, और दूसरा नंबर उसे 15 आता है। तो हमने सबसे पहले चीज कही कि लेट नंबर हमारा नंबर है x, अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर x प्लस 15, क्योंकि वो 15 ज्यादा है दूसरे से। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों से सम ऑफ टू नंबर 95, यानी पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, दोनों पहला दूसरा नंबर लिखा, पहला नंबर लिखा और दोनों को जोड़ के 95। 2x प्लस 95 नंबर क्या होगा, 50 ज्यादा है या 40 प्लस 50 रिजल्ट टू 55 आंसर। नोट कर लीजिए, ओके नोटेड। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन रेशियो फाइव रेशियो 3 इफ differ। ऐसा कि कोई भी नंबर होता है, जैसे मान थोड़ी देर मेरा आंसर है 15, तो रेशियो क्या होगा इसका, यानी 15 में कैसे लिखेंगे 5 × 3 और इसको लिखा 5 × 4, रेशियो आया 3:4, यानी कोई ना कोई मल्टीपल होगा, कोई ना कोई एक फैक्टर मल्टीपल होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि हमने अपना जो नंबर लेना है वो इस तरीके से लेंगे। देखो इसमें लेट नंबर्स बी 5x एंड 3x। इसमें देखिए नंबर क्या था, असली नंबर 15 और 20 था, लेकिन उनमें कुछ कॉमन था, तो मैंने इस बार मान लिया कि ये नंबर जो है कॉमन जो है ये x कॉमन है, तो मैं इसको ले लूंगा 3x, इसको ले लूंगा 4x। इस तरीके से हमने लिया कि लेट नंबर 5x एंड 3x। अब क्या कहता है, नंबर आ गए हमारे दोनों,
अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, तो 2x इज इक्वल टू 18, यानी x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 यानी 9। x की वैल्यू 9 आ गई, तो हमारे नंबर्स क्या होंगे? सो नंबर्स आर, पहला नंबर क्या है 5x, यानी 5 इनटू 9 45, और दूसरा नंबर क्या है 3x, 3 इनटू 9 27। चेक भी करके देखो, 45 में 27 माइनस करके देखो 18 आया। ये नहीं लिखना, कितना करना है बस नोट कर लीजिए। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लिया आप लोगों ने? प्लीज मुझे बताएं, नोट कर लिया? ओके गोल, नोट कर लिया? चलिए नाउ कम क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव numbers integers, consecutive integers add up to 15, add up to 51, what are integers? बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये तो। कहते हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले। अच्छा, इनकी क्या खासियत होगी? चलिए नंबर लेते हैं 4, 5, 6। इनकी खास बात क्या है? ये 4 है, ये क्या है 4+1, ये क्या है 4+2, यानी हर एक एक नंबर और फिर इसमें दो नंबर जोड़ा हुआ है। अगर कोई भी सा नंबर लेंगे, 4 की जगह आपने लिया 7, 8, 9, कोई बात नहीं, 7 ये क्या हो गया 7+1, ये हो गया 7+2, तो हमने क्या लिया, 3 नंबर लेने हैं। चलिए 3 नंबर ले लेते हैं, कौन से नंबर हो सकते हैं? तो हमने लिखा, देखिए सॉल्यूशन, लेट नंबर्स बी, पहला नंबर मैंने लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा x+2, बस हो गया क्वेश्चन। सम ऑफ 3, तीनों को जोड़ना चाहिए 51, एक्स प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, तीनों को जोड़ दिया, कितना आंसर आया जी 51। अब क्या करें? कुछ नहीं, एक्स 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 3x प्लस 3 51, 3x इज इक्वल 51 माइनस 3 48, यहां मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा 60। सो नंबर्स आ, तो हमारे नंबर क्या होंगे बेटा? एक्स है, एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 2 है। पहला नंबर क्या है 16, दूसरा क्या है 16+1 यानी 17, फिर क्या है 16+2 यानी 18, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। आपके इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 7 हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर एट के आगे से हम कल करेंगे। एक बार रिपीट करेंगे आज क्या क्या पढ़ा है हमने। नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं रब करूं। चलिए, सो हमने पढ़ा कि वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में वेरिएबल को एक साइड रखना है, सारे नंबर कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, साइड चेंज करने से साइड चेंज साइन चेंज, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ये रूल नंबर 3 था, ये रूल नंबर 2 था और रूल नंबर 1 था। आंसर हमेशा लास्ट में लिखना है, यूनिट्स लिखे आंसर के साथ। और आज के लिए इनफ, कल हम फिर यही पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। होमवर्क के लिए बच्चों ने पूछा है तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा है, क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लीजिए। थैंक यू।